सुमित जी बताएं। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है, मेटल सेक्टर के अंदर मार्केट खुलने के साथ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मेटल सेक्टर के अंदर ये हफ्ते में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया उसका अभी भाव चल रहा है 89.75 का भाव है। स्टॉक का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के अंदर मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर मार्केट खुलने के साथ पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है, कल के हाई के ऊपर, इनफेक्ट लास्ट दो से तीन दिनों के हाई के ऊपर सेल अभी ट्रेड कर रहा है। यहां से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़िया बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है, 88 रुपीज 20 पैसा ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 88 का नीचे में लगाना है। 88 के स्टॉप लॉस से सेल में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 93 रुपए का, दूसरा टारगेट 96 रुपए का, ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के होंगे। ये दोनों टारगेट अचीव होने पे स्टॉक फिर 3 डिजिट के अंदर देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करें 88 के स्टॉप लॉस से 93 और 96 के टारगेट्स के। मेटल सुबह से दिख रहे हैं मजबूत और यहीं पर खरीदारी करने की राय 88 के स्टॉप लॉस के साथ 93, 96, 93, 96, 93, 96, 93, 96, 96, 96 का स्टॉप लॉस ये है आपके लिए।